हेलो एवरीवन, हाउ टू मेक बाय गायत्री। मैं आज आप लोग के लिए कोई रेसिपी नहीं लेके आई हूँ, आज हम लोग करेंगे कुछ नया काम। जी हाँ, ये है बीज गिलकी के, करेले के और लौकी के। तीन तरह के बीज लेके आई हूँ मैं। तो मैंने सोचा कि चलिए, बारिश का मौसम हो रहा है और अब मेरे यहाँ पर बहुत सारी स्पेस है, जगह है, तो मैं सोची हूँ कि कुछ वेजिटेबल घर में ही ग्रो करने की कोशिश, और देखती हूँ कितना ये सक्सेस हो पाता है। फर्स्ट टाइम मैं इस तरह का काम कर रही हूँ जिसमें मुझे कितनी सफलता मिलती है वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो ये मैं तीन तरह के बीज लेके आई हूँ और ये 20-20 रुपीज़ के मुझे पैकेट पड़े थे, जिसमें गिलकी, लौकी और करेले के तीनों के 20-20 रुपीज़ के थे। यहाँ पर जो मैंने मिट्टी तैयार करी, बहुत ही नॉर्मल सी मिट्टी तैयार करी है, कोई मैं प्रोफेशनली ये काम नहीं करती हूँ। ये फर्स्ट टाइम मेरा इस तरह का बीज ग्रो करने का ये मैं वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने नॉर्मल मिट्टी ली है, उसमें मैंने डाला है जो नारियल होता है ना उसको घिस के, सूखा नारियल होता है ना उसको घिस के, और उसका जो भूसा निकलता है वो, और साथ में जो गाय के ओपल होते हैं ना, कंडे होते हैं, उनको अच्छे से बारीक करके इन तीनों को मिक्स करके और फिर ये मिट्टी तैयार करी, और नॉर्मल जो मिट्टी होती है वो तीनों को मिक्स करके मैंने इस तरह से मिट्टी तैयार करी है। और ये जो थर्माकोल का बॉक्स है ना, ये जो हमारे कप आते हैं ना उसी का बॉक्स है। और यहाँ पर देखिए गिलकी के बीज निकले हैं, कुछ इस तरह के हैं ये, इसमें 2-3 बीज जो है ना वो भूरे कलर के हैं और बाकी ब्लैक कलर के हैं। तो ये तो काफ़ी सारे निकले हैं, तो मैंने सोचा कि पहले दो तीन करके इनको ग्रो करती हूँ। तो एक पॉट में मैं 3 बीज डालूंगी और एक में 3 डालूंगी। तो यहाँ पर ये मग जो कप आते हैं ना हमारे, उन्हीं का ये पूरा बॉक्स है जिसमें मैं बीज ग्रो कर रही हूँ। तो एक में मैंने 3 डाले हैं और दूसरे में भी 3 डाले हैं, तो इस तरह से 3-3 मैंने डाले हैं। 3-3 में से देखते हैं कितने हमारे बीज फूटते हैं और प्लांट बन पाते हैं। यहाँ पर ये है लौकी के बीज जो है, ये कुछ थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं और इनको भी मैंने इसी तरह से 3-3 या 2-2 के हिसाब से आप इनको डाल दीजिए। तो मैंने यहाँ 3-3 ही डाले हैं और एक उसमें 3-3 डाले हैं, देखते हैं कितने पनपते हैं, कितने फूटते हैं। उसके बाद आए थे करेले की बारी, तो करेले में जो थे ना वो बीज काफ़ी कम आए थे। ये इस तरह के बीज हैं और ये बीज आप ना घर में भी सुखा के और रख सकते हैं, जो पक्के करेले होते हैं ना उनके उस तरह के बीज हैं ये। तो ये सिर्फ 5 ही बीज निकले हैं, तो एक में मैंने 3 डाल दिए और एक में 2 डाल दिए। इस तरीके से मैंने सबको डाल के अब इस पर मैं वापस से मिट्टी की एक लेयर और डाल दूँगी, और इस तरह से लेयर डाल के, मतलब एकदम ज़्यादा मोटी सी लेयर नहीं डाली मैंने, बिल्कुल पतली सी लेयर डाली है। मैंने भी पहले यूट्यूब पर देखा है, बहुत सारे वीडियोज देखे हैं, उसके बाद ये काम कर रही हूँ। तो बस इस तरह से डाल दिया है और इन सब पे मैं लिख देती हूँ, क्योंकि बॉक्स में सारे बीज मैंने लगाए हैं। तो यहाँ पर मैं गिलकी लिख रही हूँ जिसमें मैंने गिलकी लगाई है, उसके बाद यहाँ पर लौकी लिख देंगे आगे वाले पे, तो एल लिख दिया है ताकि बस अपने को याद रहे, हम लोग जो काम करते हैं उसको याद रहे कि यहाँ पर ने क्या लिखा और क्या लगाया है। यहाँ पर के लिख दिया है करेला, तो बस इन सबको लगा के, और पानी डालने के लिए मैंने एक अलग तरह से जुगाड़ करा है, यहाँ पर पॉलीथीन ली, उसमें छेद करके इस तरह से पानी डाल रही हूँ। तो ये मेरा छोटा सा वीडियो था आप लोग के साथ शेयर किया है, अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।